हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ है मिस्टर बानी एंड ही इज़ ए फुटबॉल प्लेयर। सो फुटबॉल खेलते समय उनको नी इंजरी हुआ था और पहले अभी हम लोग असेसमेंट करेंगे एंड ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। लाइ डाउन मिस्टर बानी। ओके, हाथ दोनों पीछे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नी जॉइंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स जॉइंट। सो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट करने के लिए है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ कायरोप्रैक्टिक असेसमेंट करने वाला हूँ थ्रू अप्लाइड गायनोजोलॉजी। सो इसमें मिस्टर बानी, आप पैर मोड़ेंगे और मैं आपको उल्टा प्रेशर दूंगा। ओके, मोड़िए, अंदर छोड़िए। ओके, थैंक यू। सो मैं नी का निचला हिस्सा जो है, सो आउट टू इन मैं चेक कर रहा हूँ। करिए, छोड़िए, और लैटरल टू मीडियल करिए, छोड़िए। सो यहाँ पे जो शिफ्टिंग किस तरफ है ये मैंने देखने का कोशिश की, तो इनका शिफ्टिंग लेटरल है। अब रोटेशन जो है इनका, मैं रोटेशन चेक करूँगा। मुड़ी अंदर, छोड़िए, मुड़ी अंदर। तो लैटरल शिफ्टिंग एंड लैटरल रोटेशन दोनों में मुझे इनका वीकनेस आ रहा है, मतलब देर इज़ अ मिसअलाइनमेंट इन टू दिस। अभी चेक करते हैं हम लोग कि फ्रॉम पोस्टर टू एंटीरियर मैं पुश कर रहा हूँ। करिए, छोड़िए, आप ढीला रखना पैर मिस्टर पानी, ढीला रखना। आप कुछ ना हेल्प करना मुझे, करो यहाँ पे वीक। सो एंटीरियर टू पोस्टर वीक है, मतलब ये जो हमने मिसअलाइनमेंट पाया हुआ है उससे हम लोग ट्रीट करेंगे अभी। ओके, ओके, सो लैटरल शिफ्ट एंड लैटरल रोटेशन और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर अगर वीक जा रहा है हमें, तो आई टू टेक इट पोस्टीरियर टू एंटीरियर। फाइन। सो अभी ये जो चेंजेस है इसको और भी हम बैलेंस करेंगे। आप पीठ पे सो जाइए। सो नी जॉइंट में पटला भी बैलेंस करना जरूरी होता है, बिकॉज दिस ऑल नोन एज नी कॉम्प्लेक्स। सो हमने जो भी मिसअलाइनमेंट पाई थी अप्लाइड कायनोजोलॉजी में, वो हमने पूरी तरह से बैलेंस कर दिया। मिस्टर बानी, कैन यू बेंड एंड चेक योर सेल्फ? दूसरा भी देख लीजिए जानबूझ के। सो इफ फीलिंग फ्री, मैं वही बताना चाहूँगा, हम यही देखते कि कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी में हम कैसे बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करें, और ये जितने भी मैकेनिकल प्रॉब्लम हैं हम यही देखते कि उनको बैलेंस कैसे किया जाए, और उसके लिए है कायरोप्रैक्टिक ऑस्टियोपैथी इज़ द ओनली आंसर। सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग नी, एंकल, हिप, यस यू कैन विजिट अस द फिजियो एंड क्लिनिक। थैंक यू।